साथियों, मैं रामेश पाल आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 की पोयम द फाउंटेन, जिसे लिखा है जेम्स रसेल लॉबेल ने। इस बड़ी अत्यंत द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट इनटू में, सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट पूर्ण रूप से बिल्कुल प्रकाश में, कह रहे हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट मतलब कि धूप में बिल्कुल पूर्ण प्रकाश में, लीपिंग लीपिंग माने उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न माने सुबह, टिल नाइट रात तक, कहने का अर्थ है कि सुबह से लेकर के रात तक बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में चमकते रहते हैं और उछलते रहते हैं। इनटू द मून लाइट, मून लाइट चांदनी रात, चांदनी रात में वाइटर देन स्नो, सूर्य से क्या कहते हैं बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, स्नो माने बर्फ, वाइटर माने अधिक सफ़ेद, बेबिंग बेबिंग माने लहराना हिलना, बेबिंग फ्लावर लाइक फ्लावर जैसे, फ्लावर मीन्स फूल, फूलों के समान, व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवा ब्लो, ब्लो माने बहती है, जब हवा बहती है तो ये बिल्कुल सफ़ेद बर्फ के उससे भी ज़्यादा सफ़ेद चांदनी रात में बेबिंग करता, हिलता है जैसे फ्लावर हिलता है, फूल हिलता है जब हवा चलती है तो। इनटू द स्टार लाइट, स्टार माने तारों की रात में, स्टार माने क्या होता है तारे, तारों के प्रकाश में, रसिंग रसिंग माने होता है भागना, भागता है, इन स्प्रे, स्प्रे माने फुर्ती में, फुर्ती स्प्रे माने फुर्ती से ये भागता है किसमें, स्टार लाइट चांदनी रात में, ठीक है। और हैप्पी मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट मध्य रात्रि में क्या है बिल्कुल प्रसन्न है, हैप्पी बाई डे दिन में भी प्रसन्न है, ये दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी प्रसन्न रहता है, कौन फवारा, फवारा दिन में भी और रात में भी हमेशा प्रसन्न रहता है, एवर इन मोशन, एवर माने हमेशा, मोशन माने गति, हमेशा गति में है, हर समय गति में है, एवर इन ब्लाइथसम, ब्लाइथसम माने प्रसन्न, चेरी माने प्रसन्न, ब्लाइथसम एंड चेरी मतलब अत्यधिक प्रसन्न रहता है, कब ये हमेशा गतिशील रहता और हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल माने अभी भी लगातार सतत रूप से, क्लाइंबिंग क्लाइंब माने चढ़ना, क्लाइंब माने चढ़ता रहता है, हीवन वर्ड किधर आकाश की ओर, आकाश की ओर, नेवर इन वियरी कभी भी थकता नहीं, कह रहे हैं कि ये जो हमारा फुवारा है कभी भी थकता नहीं है, ये हमेशा आकाश में की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है ही नहीं। आगे कह रहे हैं कि ग्लाइड ऑफ ऑल वीदर, ग्लैड ग्लैड माने प्रसन्न, ऑफ ऑल वीदर, ऑल माने सभी, वेदर माने मौसम, सभी मौसम में बिल्कुल क्या है प्रसन्न है। आगे लिखते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, नीचे की तरफ चढ़ता है, मोशन दाई रेस्ट, मोशन ही तुम्हारा रेस्ट है, गति ही तुम्हारा विश्राम है, मोशन माने गति, गति में ही तुम्हारे विश्राम है, किसके फवारे के, फवारे कहते हैं कि फवारे तू हमेशा प्रसन्न रहता है, जबकि हमेशा अच्छा दिखता है, ऊपर और नीचे होता रहता है, लेकिन हमेशा हमेशा गति करता है और गति में ही लगता है कि तुम्हारा विश्राम है, उसी में तुम अपनी थकान पूरी कर लेते हो, ख़त्म कर लेते हो। आगे कह रहे हैं कि फुल ऑफ नेचर, पूरी तरह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, क्या है स्वाभाविक है और प्राकृतिक है, नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कुछ भी नहीं,
टेम माने होता नियंत्रित करना या पालतू बनाना किसी को, तो नथिंग कैन टेम, कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नियंत्रित कर सके। तुम किसी के नियंत्रण में नहीं हो, तुम अपने आप नीचे ऊपर उठते रहते हो, आकाश की ओर जाते रहते हो। चेंज द एवरी मोमेंट, हर क्षण आप बदलते हैं, बदलाव आप में हर क्षण है, फिर भी एवर द सेम। फिर भी फुब्बारा क्या है, हमेशा सेम बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, ठीक है। सीडलेस एस्पायरिंग, एस्पायरिंग एस्पायर माने ऊपर उठना, एस्पायर माने क्या होता है, ऊपर उठते जाना ही है। सीडलेस, सीड नहीं होता, मतलब निर्बाध रूप से ऊपर उठता जाता है। सीडलेस निर्बाध, कोई बाधा नहीं, निर्बाध रूप से ऊपर। सीडलेस कंटेंट, निर्बाध रूप से आप संतुष्ट रहते हैं, निर्बाध रूप से आप संतुष्ट हैं। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, तुम्हारा जो आत्मा है, एलिमेंट माने मूल तत्व तो है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा निर्बाध रूप से संतुष्ट है, निर्बाध रूप से ऊपर उठता रहता है, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, ठीक है। आगे लिखते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार भव्य फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो, मेरे हृदय को बना दो। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट सतत लगातार। अपवर्ड लाइक दी, आपकी तरह ऊपर उठता जाऊँ। यहाँ कवि ये कहना चाहता है फुवारे के सारे गुणों को देख करके, जिस तरह तुम हमेशा प्रसन्न हो, हमेशा खुश हो, मेरे हृदय को या मुझे भी ऐसा ही बना दो, ताकि मैं भी हमेशा जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहूँ, ऊंचा उठता जाऊँ। यही है इस कविता की, ठीक है भावना।